चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे HCF निकालना फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं, 27 और 243। इनका हमें HCF निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 27 का फैक्टर निकालेंगे। तो 27 का फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। अब 27 है तो ये देखेंगे कौन से नंबर से कटेगा। सबसे पहले हम छोटे से छोटे नंबर से काटने स्टार्ट करते हैं। तो ये नंबर 27 टू से नहीं कटेगा, थ्री से कट जाएगा। 3 9 जा, फिर अब हमारा 9 है, ये 3 से कट जाएंगे। ये 3 3 जा, 3 1 जा। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 243 का भी फैक्टर निकालेंगे। तो जैसे कि एक ये नंबर दे रखे हैं, अब ये नंबर जो है कि 2 से नहीं कटेगा, 3 से ये नंबर कट जाएंगे, 381। फिर 81 हमारा जो है कि 3 से कटेंगे, 27 27 9 3 3 1। अब इनका फैक्टर हम लिखेंगे। जैसे 27 का फैक्टर करने पर आया है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 243 का फैक्टर करने पर आया है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जितनी बार 3 है उतनी बार लिख लेंगे। अब हमें HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ा से बड़ा फैक्टर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। तो जितने बार मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं दोनों में जो फैक्टर हैं, उन्हें हम एक साथ ले लेंगे। तीन जो है कि थ्री जो है कि 3 बार मैच हो रहे हैं, 3 बार मैच हो रहे हैं, तो हम इन्हें लिख लेंगे। और इनका मल्टीप्लाई करने पे 27, यानी कि 27 वह नंबर्स होगा जो कि दोनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड करेगा। या